दौरान ये यहाँ पर एक तारीखी अहमियत का हामिल स्तूपा है, जिसमें बुद्धा का हमारी उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक सबसे तवील वो है, मुजस्मा है, और स्लीपिंग बुद्धा जिसको कहते हैं। और ये इलाका ना सिर्फ आसार कदीमा के हवाले से, बल्कि मैं समझता हूँ कि बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए मजहबी लिहाज से भी बहुत ही एक अहमियत का हामिल है। और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे कई इलाके हैं, कई जगह हैं, कई ऐसे मकामात हैं जो मजहबी सियाहत, रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से बहुत अहमियत रखते हैं। तो आज हमने इस जगह का दौरा किया। यहाँ पर मेरे साथ आसार कदीमा की माहिर है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने हमें बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी और इस जगह के बारे में काफ़ी जो है मालूमात हमें दी और रोशनी डाली यहाँ के बैकग्राउंड पर कि कैसे बना, किस अरसे में बना, किस किस किन किन मराहल से ये तारीख में गुजरा और आज इसकी क्या सिचुएशन है। मेरे साथ मेरे बाएं हाथ पे इस जगह के असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं जिन्होंने हमें यहाँ का विजिट फैसिलिटेट करवाया। पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें फैसिलिटेट किया और हमें यहाँ पर ये जगह दिखाई। लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि ये टूरिज्म के हवाले से भी खैबर पख्तूनख्वा में जो जबरदस्त किस्म की जगह है उनमें से एक है। और यहाँ पर मैं तो दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान से भी सयाहों को, जो आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, उनको खसूसी तौर पर कि वो यहाँ आए, यहाँ का विजिट करें, यहाँ की मालूमात हासिल करें। और खास तौर पर बाहर मुबालिक से जो लोग आते हैं, खास तौर पर बुद्ध मत के पैरों का, उनके लिए चूंकि मजहबी नोयत की जगह है, इसलिए उनको भी यहाँ आना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में टूरिज्म और खासतौर पर रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं सयाहत की प्रमोशन में और यहाँ पर वो दो मरतबा तशरीफ भी ला चुके हैं और यहाँ पर श्रीलंका के मिनिस्टर्स का वफद भी आ चुका है और यहाँ का दौरा कर चुका है। तो हम भी इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और हमारे वज़ीर आला इमरान खान साहब भी टूरिज्म को, सयाहत को बहुत दिलचस्पी से देखते हैं और प्रमोट करते हैं। और हमारा तो नारा है बल्कि विजन है कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, दहशतगर्दी की वजह से हम बहुत सफर हुए हैं, हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, अब इंशाल्लाह हम अपने सूबे को, अपने इलाके को, अपने मुल्क को दहशतगर्दी के उस अजाब से निकाल कर इंशाल्लाह सयाहत की जो खुशहाली है, सयाहत के नतीजे में जो खुशहाली आती है उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं। और इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का एक मस्बत इमेज जो है वो प्रमोट होगा बल्कि माशी तौर पर भी सरगर्मियां यहाँ पर पैदा होंगी, मौके पैदा होंगे और सयाहत की इंडस्ट्री को भी फरोग मिलेगा, जिससे इस इलाके में माशी खुशहाली भी आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि वजारत सयाहत को भी इस पर दिलचस्पी लेनी चाहिए, महकमे सयाहत खैबर पख्तूनख्वा को भी इस पर फोकस करना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को भी यहाँ आकर इस इलाके की सैर करनी चाहिए। थैंक यू।